हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज पढ़ने वाले हैं गणित परिचय चार क्लास का, जो कि है एक्सरसाइज चार का 18 नंबर रह गया था। ठीक, आज पढ़ लेते हैं इसको। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। 18 नंबर में लिखा हुआ है तीन प्रकार से हल निकालें। क्या निकालना है? तीन प्रकार से हल निकालना है इसको। चलिए निकालते हैं। क्या लिखा है? तीन प्रकार से हल निकालें। कौन नंबर में दिया? 8, 5, 4 और 6। इस सबको जोड़ना है तीन प्रकार से। ऐसे तो कई तरीके से जोड़ सकते हैं, लेकिन तीन तरीका से जोड़ के दिखाना है। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को जोड़ के। फर्स्ट तरीका देखिए, 8, 5, फिर 4, फिर 6। इसको जोड़ना है। पहले इन दोनों को जोड़िए। 8, 5 कितना हुआ? 13। फिर इसको जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 13, 4 कितना हुआ? 17। फिर इसको लास्ट में जोड़ दीजिए, 17, 6 कितना हुआ? 23। ये हुआ एक तरीका। पहले देखिए क्या किए हैं इसको। 8 और 5 हुआ 13, फिर 13 में जोड़ दिए 6, कितना हुआ? 17। फिर 17 में 6 दे दिए, कितना हुआ? 23। अब दूसरा तरीका देखिए, 8+5+4+6। पहले इन दोनों को जोड़िए, 8 और 5 कितना हुआ? 13। फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6+4+10। फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, 10 और 13 कितना हुआ? 23। अब तीसरा तरीका देखिए, इसी को उल्टा देंगे। कैसे उल्टाएंगे देखिए। तीसरा तरीका, 6 को पहले लिखेंगे, फिर 4 को, फिर 5 को, फिर 8 को। 6+4+10, 10 में जोड़ दीजिए, कितना? 5 को, कितना हुआ? 10+5=15। फिर 15 में कितना जोड़िए? 8 को, 15+8 कितना हुआ? इसी टाइप से आप लोग भी इसको जोड़ दीजिएगा। ठीक, चलिए दूसरा नंबर बनाते हैं। दूसरा नंबर में दिया है इसी, दूसरा नंबर में खोआ नंबर में यही सवाल दिया है। चलिए इसको मिटाते हैं, यहाँ खोल लिख देते हैं। 9, 8, 7 और 6 को जोड़ना। जैसे कौन नंबर बनाए उसी टाइप से इसमें भी बनाना है। ठीक, चलिए बनाते हैं। 9+8+7+6। पहले 9 और 8 को जोड़ेंगे। 8 और 9 कितना हुआ? 17 हुआ, तो 17 लिखिए। फिर इसको जोड़ना है, 7+7=14, 14+1=1, 1+1=2। 17 और 7 कितना हुआ? 24। फिर 24 में कितना जोड़ना है? 6+6=26, 24+6 कितना हुआ? 30। ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए, 9+8+7+6। पहले 9 और 8 को जोड़ देंगे, तब 8+9=17। फिर 7+6=13, दोनों को जोड़ देंगे, कितना हुआ? 7+3=0, 1+1=2, 1+3। अब तीसरा तरीका देखिए, क्या करेंगे? इसी को उल्टाएंगे। पहले पहले 6 लिखेंगे, चलिए लिखते हैं 6। फिर जोड़ कितना? 7। फिर जोड़ 8। फिर जोड़ 9। पहले इन दोनों को जोड़िए, कितना हुआ? 7+6=13। फिर जोड़िए 8 को, 13+8 कितना हुआ? 8+3=11, 1+2=21। फिर 21 में जोड़िए कितना? 9। 21 में कितना हुआ? 30। ये तीन तरीका हुआ, और भी आप लोग तरीका निकाल सकते हैं। ठीक, इसमें बोला है तीन तरीका, तो इसलिए इसमें तीन तरीका बताए। इसको मिटाते हैं, आगे बताना है। एक्सरसाइज 5 मतलब प्रश्नावली 5 बनाते हैं। इसको मिटाते हैं पहले, 5 का एक्सरसाइज 1 नंबर में दिया हुआ है। वह संख्या क्या होगी जो लिख देते हैं, वह संख्या क्या होगी जो 30, 52, 42 से 47, 57 अधिक है? ऐसे अगर समझ में नहीं आता, अगर क्या सिंपल में बताते आप लोगों को, बोलेगा इतना से
इतना देखो मतलब वह संख्या क्या होगी जो 30, 52, 42 से 47, 57 देखो अगर बोलेगा वह संख्या क्या होगी जो 9 से 6 अधिक हो, तो क्या करेंगे 9 से 6 अधिक होना चाहिए। वह संख्या क्या होगी जो 9 से 6 अधिक होगा, तो क्या करेंगे 9, 6, 15। अब देखिए 9 से कितना अधिक है 6, क्या करें हम दोनों को क्या करना है जोड़ देना है। ठीक फिर जोड़ते हैं इसको 30, 52, 42, 47, 57 दोनों को क्या करना है जोड़ना 7 2 9 5 4 9 7 2 9 5 4 9 0 और 3 इससे कितना अधिक होगा ये संख्या 47, 57। ठीक मिटाते हैं इसको फिर देख उस संख्या को निकाले जो 11,999 से एक अधिक है। अगर बोलेंगे उस संख्या को निकालिए जो 9 से एक अधिक है, कौन सा क्या होगा 10, 9 से ज़्यादा कौन है 10 ना, तो दोनों को क्या करना है ये संख्या निकालने के लिए जोड़ना है। उसी टाइप से इसमें भी क्या करना है दो नंबर में उस संख्या को निकाले जो 11,999 से एक कितना अधिक है, एक अधिक है 11,999 में एक जोड़ना है कितना हो जाएगा 12,000। कितना होगा देखिए 11,999 से कितना अधिक है एक अधिक है 12,000। अब तीन में तीन नंबर में दिया उस संख्या को निकाले, उस संख्या को निकाले जिसमें 7212 घटाने पर 34 मिटाते इसको पहले 7212 घटाने पर 34527 शेष बचता है, तो क्या करना है इसको जोड़ देना है 7212 घटाने पर 34527 शेष बच जाता है। ऐसा क्या घटाएंगे तो क्या लिखा हुआ उस संख्या को निकाले जिसमें 7212 घटाएंगे तो 34527 प्राप्त होगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए 34527 जोड़ 7212 7 2 9 2 1 3 5 2 7 7 4 11 1 8 4 मतलब अगर 41,739 में 7212 घटाइएगा तो 34527 प्राप्त होगा। ठीक इसका कहने का मतलब यही है। चलिए इसको मिटाते हैं, अब बनाते हैं चार नंबर का सवाल। चार नंबर में लिखा हुआ है उस संख्या को, इसमें लिखा हुआ है वही पढ़ते हैं ठीक ना, उस संख्या को निकाले जिसमें 1001 घटाने पर 70,009 शेष बचता है, तो चलिए निकालते हैं 1001 घटाने पर 70,009 शेष बचेगा, तो इसको क्या करना है जोड़ना है 1001 में पहले उसको लिखना बड़ा बड़ा हमको 70,009 1001 इसको जोड़िए 9 1 10 10 0 1 71,010 में अगर 1001 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोगों को 70,009 उस समय कौन सी होगा 71,010 होगा। ठीक पाँच नंबर में हम देखते हैं ना देखते हैं चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या में हॉलो हॉल लिखिए चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 9,999। फिर लिखता है चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या में चार अंकों की सबसे छोटी संख्या को जोड़े, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है 1000। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या चार अंकों की सबसे छोटी संख्या जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए इसमें कितना होगा 9 9
नौ नौ एक दस, कितना होगा 10,999। ठीक, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999, फिर चार अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है 1,000, दोनों को क्या करता है बोलता है जोड़ने के लिए, जोड़ दिए निकला 10,999। चलिए इसको मिटाते हैं, अब छः नंबर बनाते हैं। छः नंबर पर लिखा हुआ है पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या, पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या, पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है 1 पे 4 शून्य, 1 पे 4 शून्य का मतलब 10,000। फिर बोलता है तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या को जोड़े, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है 999, इसको जोड़ना है, यहीं पे जोड़ देते हैं, तो अलग जोड़ दीजिएगा यहाँ पे 10,000 जो 999 जोड़िए, 9990 10,999 यहाँ भी हुआ। पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है 10,000, फिर तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है 999, तो दोनों को बोलता है जोड़ने के लिए, जोड़ दीजिए कितना हुआ 10,999 दोनों को जोड़ने का। फिर लिखा हुआ है एक परीक्षा में, इसको करने देते हैं, एक परीक्षा में 3,62,504 लड़के हैं, 36,25,04 लड़के एवं लड़कियां हैं 12,78,32। एक परीक्षा में 3,62,504 लड़के हैं, कितना लड़के हैं 3,62,504 लड़के एवं 1,27,832 लड़कियां ने भाग लिया, परीक्षा में लिया जा रहा, ठीक है, तो लड़के तथा लड़कियों मिलाकर कुल कितने परीक्षार्थियों ने भाग लिया, मतलब लड़का और लड़की दोनों को मिला के पूछ रहा है कितना भाग लिया परीक्षा में, तो इस दोनों को क्या करना है जोड़ देना है, तो जोड़िए इसको 4 और 2 कितना हुआ 6, 3 8, 5, 13 हासिल, 1, 7, 2, 9, 1, 10 का 0 हासिल, 1, 6, 2, 8, 1, 9, 3, 1, 4 इसको लिखिएगा परीक्षार्थी, क्या लिखिएगा परीक्षार्थी ने भाग लिया, परीक्षार्थियों ने भाग लिया कितना हुआ 4,90,336 परीक्षार्थियों ने भाग लिया किसमें परीक्षा में, इसको मिटाते हैं। अगला 7 नंबर के बाद होगा 8 नंबर, कितने नंबर होगा 8 नंबर, 8 नंबर में लिखा है एक व्यापारी का 1,32,540 रुपये स्टेट बैंक में तथा 28,750 रुपये पोस्ट ऑफिस में जमा है, तो उस व्यापारी का कुल कितने रुपये स्टेट बैंक तथा पोस्ट ऑफिस में जमा है दोनों को मिला के जोड़ देना है, स्टेट बैंक में लिखना है स्टेट बैंक, 8 नंबर हुआ, स्टेट बैंक में है 1,32,540 रुपये, फिर पोस्ट ऑफिस में है 28,750 रुपये, तो बोलता है दोनों मिला के कितना ऑफिस कुल कितने रुपए स्टेट बैंक तथा पोस्ट ऑफिस में जमा है, तो दोनों को मिला के जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए 0,5,4,9,7,5,12 हासिल 1,8,2,10,11,3,2,5,1,6 161,290 रुपये का है जमा है दोनों मिला के। फिर 9 नंबर में लिखा हुआ है एक चुनाव में 3,25,765 मत सही
वेद पाए गए। फिर 12,875 मत रद्द अवैध हो गए तथा 3,05,130 मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। बताइए कि उस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। देखिए रद्द हुआ कुछ उसे मतलब नहीं, वोट तो दिया था ना जाके। फिर मत सही सही भी है, फिर इतना नहीं दिया तो मतलब अति था ना, क्या बोलते हैं, वोटर तो था ना, तो तीनों को क्या करना है, जोड़ देना है। पूछता है उस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, मतदाता का संख्या पूछ रहा है, सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। इसको मिटाते हैं पहले। क्या लिखा है, चुनाव सही मत, मत सही 3,25,765। फिर मत रद्द, रद्द मत रद्द कितना है, 12,875। फिर 30,000 भाग नहीं लिया है, 3,51,130। ठीक, इसको सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। चलिए जोड़ते हैं, 5, 5, 10, 0, 7, 3, 10, 16, 16, 1, 17, 8, 1, 9, 9, 7, 16, 16, 1, 17, 5, 5, 10, 2, 12, 12, 13, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 3, 3, 6। मतलब 6,43,770 मतदाता चुनाव में उस चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं, तो इस चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं, 6,43,770, जिसमें से 3,05,130 भाग नहीं लिया, 1,275 मत रद्द हो गया, फिर इतना मत सही हुआ, सबको मिला के कितना मतदाता हो गया, 6,43,770 मतदाता है उस चुनाव में। आगे देखते हैं क्या है, इसको मिटा देते हैं। नौ दस नंबर में देखिए क्या है, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी थे, कितने प्रत्याशी थे, 3 प्रत्याशी थे, उनके द्वारा प्राप्त सही वेद मतों की संख्या 1,35,430 है। फिर 85,780 तथा 12,815 उस चुनाव के कुल सही वेद मतों की संख्या बताइए। तो सबको क्या करना है, जोड़ लेना है। फर्स्ट का 1,35,430 को मत सही वेद, फिर दूसरे का 85,780, फिर तीसरे का 12,815। कुल सही मतों की संख्या बताइए, तो सबको क्या कर देना है, जो कर देना है, 5, 8, 3, 11, 11, 1, 12, 2, 8 कितना बचता है, 1, 7 और 4, 11 होता है, 11 में 8 जोड़ेगा 19, 19, 1, 20 का 0 हासिल 2, 5, 5, 10, 2, 12, 12, 2, 14, 14, 4 हासिल 1 होता है, 8 और 4, 12, 12, 1, 13 का 3 हासिल 1, 1, 1, 2, मतलब सही मत कितना है, 2,34,025 ठो सही मत है। 11 नंबर बनाते हैं, इसी में बन जाएगा, दो संख्याओं का अंतर 63,40 को मान लेते हैं, माना तो इसका तो सूत्र ऐसे ले लिखे, बड़ी संख्या घटा छोटी संख्या बढ़ाओ, बड़ी संख्या सूत्र लिखते हैं घटा छोटी संख्या बराबर अंतर, इस पे बैठा देना है। क्या लिखे हैं, दो संख्याओं का अंतर 63,36,542,540 है, यदि छोटी संख्या 1,22,780 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो चलिए बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या नहीं दिया जा रहा है, बड़ी संख्या घटा छोटी संख्या दिया है 1,22,780 बराबर होता है अंतर 63,25,40। देखिए सूत्र होता है बड़ी संख्या घटा छोटी संख्या बराबर अंतर, अंतर बराबर सूत्र होता है।
बड़े संख्या दिया नहीं है, छोटी संख्या दिया कितना 1,22,780, अंतर दिया है 6,32,540, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। इधर घटाएंगे उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा जोड़ में, डायरेक्ट भी बड़ी संख्या बराबर होता है अंतर जोड़ छोटी संख्या, तो इसको लिख देते हैं 63,25,40 जोड़ 1,27,780। अब जोड़ना है इसको, 0,0 जोड़िए 0 होता है, 7, 8, 4, 12, 2, 5, 2, 7, 7, 1, 8। उसके बाद कहाँ आ गए, गलती जोड़ दी, सॉरी शुरू से जोड़ते हैं फिर से, 0, 0, 0, 8, 4, 12, 2, 7, 4, 11, 11, 12, 2, 2, 2, 4, 5, 2, 3, 5, 6, 5, और 6, 7, कितना हुआ 7,55,220 हो गया बड़ी संख्या। ठीक, चलिए आगे बनाते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए बड़ी संख्या घटा छोटी संख्या बराबर अंतर होता है। ठीक, बड़ी संख्या नहीं था तो बड़ी संख्या निकालना था हम लोगों को, तो छोटी संख्या दिया है 1,22,780, अंतर दिया है 63,25,40, जितना बोलिए इसको 6,32,540 पड़िएगा। अगर इधर घटा में उधर जोड़ में लाएंगे, या तो डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं बड़ी संख्या बराबर क्या होता है, बड़ी संख्या बराबर अंतर जोड़ छोटी संख्या, तो अंतर जोड़ छोटी संख्या कर दिए, इन लोगों को जोड़ दिया तो क्या निकल जाएगा बड़ी संख्या। ठीक, इसको मिटाते हैं। अब एक आगे के बाद क्या आता है 12 नंबर, 12 नंबर में भी इसी टाइप का दिया है, इसको भी बनाते हैं, इसमें इसमें डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए 12 नंबर में दिया है दो संख्या का अंतर इतना, यदि छोटी संख्या इतना है तो बड़ी संख्या निकाले, दोनों संख्या का योगफल भी ज्ञात करें। अब देखिए इसमें थोड़ा लेकिन लगा के दिया है, तो चलिए 12 नंबर में दिया है अंतर 11,0,420, फिर देखिए छोटी संख्या दिया है 26,80, बड़ी संख्या निकालना है, फिर दोनों संख्या का योगफल भी निकालना है। बड़ी संख्या बराबर क्या होता है अंतर घटा छोटी संख्या, ना अंतर जोड़ छोटी संख्या, अंतर यहाँ पे है 11,0,420 जोड़ 26,80, 0, 0, 0, 8, 2, 10, 0, 6, 4, 10, 1, 11, 2, 2, 1, 3, 11। वह बड़ी संख्या, फिर बोलता है दोनों संख्या का योगफल भी ज्ञात करें, मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योगफल लिखेगा, लिखिएगा दोनों संख्या का योग फल बराबर, बड़ी संख्या कितना निकाले हैं 11,3,3,1,00 जोड़ छोटी संख्या कितना है 26,80। तो चलिए जोड़ते हैं 0,0,0,8,0,8,6,1,7,2,3,5,11 इधर उतार दीजिए, अंतर है 11,10,420, छोटी संख्या है 2,680, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या निकालने हैं दोनों को जोड़ के, फिर बोलता है दोनों संख्या का योग, बड़ी संख्या यहाँ निकाले छोटी संख्या यहाँ, दोनों को योग को निकाल दिए यहाँ पे, यहाँ 1,15,780 निकला। ठीक, अब क्या 14 नंबर में, इसको बहुत 13 नंबर में इसको मिटाते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं पहले। देखिए 3 शहरों की जनसंख्या क्रमशः लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 4 क्लास का परिचय गणित पढ़ा रहे हैं। ठीक, आप लोगों को 3 शहरों की जनसंख्या क्रमशः 23,24,80 मतलब 2,32,480, फिर 1,28,340, फिर 2,10,400, तीनों शहरों की कुल जनसंख्या का योगफल ज्ञात करें। ठीक, 13 नंबर में दिया है 3 शहरों की जनसंख्या का
योगफल निकालना है। क्या निकालना है? योगफल पहला 28, 24, 80, फिर है 12, 83, 40, फिर 21, 0, 400। ये फर्स्ट शहर का जनसंख्या है, सेकेंड जनसंख्या है, थर्ड शहर का जनसंख्या, तीनों का योगफल ज्ञात करना है। चलिए जोड़ते हैं 0 8। योगफल का मतलब होता है जोड़ना, ठीक ना। 8 4 12 का 2 हासिल 1 बचा, 4 और 3 7 7 4 11, 11 1 12, 12 का 2 हासिल 1 बचा, 8 और 2 10, 10 1 11 होता है हासिल, फिर कितना बच गया 1, 3 2 5 5 1 6 6 1 कितना हो गया 7 हासिल, इसमें नहीं बचा है। 2 1 3 3 2 5, देखिए तीनों शहर का जनसंख्या जोड़े तो कितना हो गया 571,220। आगे पढ़ते हैं 14 नंबर में, 14 नंबर में देखिए क्या दिया है। एक आदमी ने अपने चारों पुत्रों के लिए एक कार खरीदा, एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटर तथा एक एवन साइकिल खरीदा। यदि एक कार की कीमत 235,780 रुपया है, एक मोटरसाइकिल की कीमत 45,640 रुपया, एक स्कूटर की कीमत 36,780 रुपया है तथा एक एवन साइकिल की कीमत 1780 रुपया है, तो उस आदमी ने एक कार, एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटर तथा एक एवन साइकिल खरीदने में कुल कितना खर्च किया? तो चलिए खर्चा निकालते हैं इसका, कितना खर्च किया है? महंगाई के जमाने में बहुत सस्ता सस्ता सामान ले लिया। देखिए एक कार है, 14 नंबर का सवाल, कार खरीदा 235,780 रुपया, फिर एक मोटर साइकिल खरीदा है, एक मोटरसाइकिल कीमत 45,640 रुपया में, फिर स्कूटर खरीदा है, स्कूटर भी खरीदा है, चार को बेटा था ना, स्कूटर खरीदा 36,780 रुपया में, स्कूटर 36,780 रुपये में इसको दे दिया है। अब देखिए एवन साइकिल खरीदा 1780 रुपया में, 1780 रुपये, एक कार खरीदा 2,35,780 रुपया में, फिर एक मोटरसाइकिल का कीमत है 45,640 रुपया, एक स्कूटर की कीमत 36,780 रुपया, एक एवन साइकिल के कितना मांगा? अभी 5,000 में देता है, अभी 1780 रुपये में खरीदा था, कब खरीदा होगा पता लगा लीजिए, इसको जोड़ देते हैं, ठीक। 0 0 0 0 0, 8 4 12 12 8 20 20 28 28 का 8 हासिल 2, 7 6 13 13 7 20 20 27 27 29 हासिल 2, 5 5 10 10 16 16 1 17 17 1 18 का 8 हासिल 1, 4 3 और 4 7 7 3 10 10 1 11 का 1 हासिल 1, 2 1 3, चारों बेटा का खर्चा कितना क्या मिला के 3,18,980 रुपया। तो लास्ट बचा है 15 नंबर का, इसको भी बनाइए देते हैं, इसको भी सल्टाइए देते हैं, ठीक। एक रंगीन टीवी सेट की कीमत एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की सेट से 13,720 रुपये अधिक है। यदि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सेट की कीमत 3,570 रुपये, तो उस रंगीन टीवी सेट की कीमत क्या होगी? चलिए इसको बनाते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक। मिट जा भाई, देखिए यहाँ पर रंगीन सेट टीवी की कीमत है ना ब्लैक एंड वाइट, मतलब जिसमें है ना काला टाइप का पूरा काला पुरानका जमाना का टीवी है, वो दिया है 3,570 रुपये में। तो देखिए लिखते हैं ब्लैक, कैसे लिखे पहले लिख लेते हैं, ब्लैक एंड
वाइट। टीवी की कीमत है कि कीमत है 3570 रुपया। ब्लैक एंड वाइट की टीवी की ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट की कीमत है 3570 रुपये। तो बोलता रंगीन टीवी जो है ना, रंगीन टीवी की कीमत है ना 13720 रुपये अधिक है, किससे? ब्लैक एंड टीवी की से। तो इसमें क्या है, कितना जोड़ना है? 13720 इसको जोड़िए तो किसका निकलेगा रंगीन टीवी का कीमत? 0 7 2 9 7 5 12 2 3 3 6 1 7 1 ये हो गया रंगीन रंगीन टीवी की कीमत कितना हो गया 17290 रुपया। आप देखिए रंगीन टीवी देता है 3570, नहीं ब्लैक एंड वाइट का दाम है 3570 रुपया और रंगीन टीवी का दाम है 17290 रुपया। ठीक, नहीं समझ में आया, फिर एक बार पढ़ लेते हैं। एक रंगीन टीवी सेट की कीमत एक ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट से 13720 रुपये अधिक है। तो अधिक का मतलब क्या होता है, जो दिया है उसमें जोड़ देना है इतना, इससे अधिक है 13720, कितना निकला 17290। मतलब 17290 से कम है, कितना कम नहीं अधिक है, मतलब ब्लैक एंड वाइट टीवी की कीमत 3570 रुपया हुआ, इससे अधिक है रंगीन टीवी का कीमत कितना 13720 रुपये अधिक है रंगीन टीवी का कीमत, कितना हो गया 17290 रुपया। हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल का नाम है PN मकाम स्कूल, इस पर है ना 0 से लेकर 10 क्लास तक का मैथ बताया जाएगा, ठीक ना, धन्यवाद।